फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए टेंस हेल्पिंग वर्ब चार्ट मेन वर्ब चार्ट की पहचान बताने जा रहा हूँ। यदि आप ये तैयार कर ले तो आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की पहचान आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मथुरा प्रसाद मैना टेंस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों बिना देर करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक है टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चार्ट। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स शुरू टेंस चार्ट हेल्पिंग वर्ब चार्ट और मेन वर्ब चार्ट। फर्स्ट नंबर ऑल इन वन काम करेगा ये चार्ट आप तैयार कर लेते हो तो तीनों आपको एक साथ तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बी केयरफुल रेडी स्टार्ट। टेंस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। तीन प्रकार के टेंस होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर फोर पार्ट इन ईच टेंस। ईच टेंस में यहां पर फोर पार्ट होंगे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ध्यान देना कि ये जो पार्ट आपको बताए गए हैं इनकी मैंने पहचान भी लिख रखी है। प्रेजेंट की पहचान सेंटेंस के लास्ट में है हैं हो वो हूं आता है तो प्रेजेंट। इंडेफिनिट में ता ती ते। जब आप टेंस का यूज करते हैं तो ये अकेला नहीं चलता है साथ में इन फोर पार्ट में से किसी एक का यूज होता है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अक्सर मैं देखता हूँ कई बच्चों से जब टेंस के बारे में पूछा जाता है तो कुछ इधर के नाम बता देते साथ में कुछ इधर का बता देते हैं जबकि ये साथ में चलने वाले प्रेजेंट के साथ चारों में से आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट भी सेम वे में होगा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट के प्लेस पर आप सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट तो भी चलेगा। कई जगह लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो देयर इज नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं होगा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलें या सिंपल प्रेजेंट दोनों सेम होगा। पहचान हुई ता है ती है ते है ता हूं ती हूं ते हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। रहा है रही है रहे हैं रहा हूं रही हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है चुकी है चुके हैं चुका हूं चुकी हूं या फिर इसके प्लेस पर आ है ई है ए है होता है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। दोस्तों अक्सर बच्चे लर्न कर लेते हैं चुका है चुकी है चुके हैं जब सेंटेंस में आ जाता है कि मैंने चाय पी ली है तो बच्चे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बच्चों में कि ये कौन सा टेंस है। तो आपको ध्यान देना है ऐसा सेंटेंस जिसके आखिरी में आ है ई है ए है आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है रही है रहे हैं रहा हूं रही हूं। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रहा रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आया परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो दोनों सेम है तो इसके साथ भी वो ईएमआर का यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों ये जब परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस आता है तो उसमें टाइम चलेगा सिंस फॉर का यूज होगा और ये आपका डायरेक्ट रहा है रही है रहे हैं चलेगा।
अब देखते हैं पास्ट। पास्ट की पहचान था थी थे, था थी थे सेंटेंस के लास्ट में होगा। और यदि सेंटेंस अ ई ए पे खत्म होता है तो भी वो पास्ट का होता है। ध्यान रखे आ है, ई है, ए है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। ओनली आ पे खत्म होता है सेंटेंस। सपोज मैंने चाय पी ली, वह बाजार गया, राम ने गाना गाया, या मीन्स आ की मात्रा पर एंड हुआ, ए की मात्रा पर और या फिर ई की मात्रा पर, तो भी वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट यहां ता था, ती थी, ते थे, तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन टाइम के साथ आएगा, इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है, या फिर डायरेक्ट इसमें आ ई ए हो तो भी वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। एंड लास्ट इसका आ जाएगा, इसमें विल शैल का यूज हुआ है, तो लास्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हमें देखना है दोस्तों, इसमें आपको जो बताया गया है सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। इसके सॉरी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देखा, इसके सभी टेंस आपने देख लिए, टेंस पहचान क्लियर हो गए। अब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल। डू डज हेल्पिंग वर्ब, यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा और प्लूरल के साथ डू का। इसमें आप यूज कर सकते हैं यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ वी वन चलेगा, ही सी इट और एनी नेम के साथ यूज होगा वी फाइव। वी फाइव का मीन्स होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है वी फाइव। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अक्सर आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस जोड़ना है, जबकि मैंने इसको वी फाइव का नाम दिया है। वी फाइव मीन्स वी वन प्लस एस प्लस ई एस या आई एस। सेकेंड फॉर्म, इसमें सिंपल सेंटेंस जब आपको बनाए जाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ओनली वहां पर वी वन वी फाइव चलेगा, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको डू या डज का यूज करना है। सेकेंड देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया इसमें और ये अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा, वी टू चलेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब आप इसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो उसमें डिड नेगेटिव में डिड नॉट, लेकिन फिर डिड नॉट जब लगाते हो तो वी टू वी वन में चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें वी वन दिया। इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के बिफोर में आना है, और सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और सिंपल में डायरेक्ट वी टू आएगा, डिड का यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में शैल विल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, आई के साथ एम यूज होगा, ही, सी, इट और नेम के साथ इज, यू, दे
और प्लूरल नंबर आता है वी आता है तो आपको आर का यूज करना है, वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ आर। फिर देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज ऑब्लिक वर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसमें वाज वर्ब के साथ ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। फोर्थ फॉर्म मींस होगा वी वन प्लस आई एन जी। जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड कर देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अब देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल वी ऑब्लिक विल बी, शैल बी या विल बी, बी दोनों के साथ प्लस लगाया मैंने, मींस शैल के साथ भी बी आएगा और विल के साथ भी बी आएगा, तो शैल बी विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट, परफेक्ट में हैज ऑब्लिक हेल्प, हैज ऑब्लिक हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, वी थ्री इसमें यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही शी इट और एनी नेम के साथ हैज यूज होगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव यूज होगा। पास्ट परफेक्ट हैड इज यूज विथ ऑल सब्जेक्ट, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वी थ्री इसमें यूज होगा। और फिर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन साथ में टाइम मेंशन करना होगा जिसके लिए सिंस और फॉर यूज किया जाएगा। सिंस फॉर यूज मैं आपको के साथ बताऊंगा। अब देखते हैं पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए विल ऑब्लिक विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर इसमें टाइम के लिए यूज किया जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम के लिए यूज होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म किस टेंस में यूज किया जाएगा, इसके लिए आप ट्रिक से तैयार कर लें। सिंपल आपको नंबरिंग आप लर्न कर लेते हैं, 15 12 1, 15 12 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट 15 नंबर, पास्ट इंडेफिनिट 12, फ्यूचर 1, 15 12 1। 15 मींस यहां पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ही शी इट और नेम के साथ फिफ्थ फॉर्म, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के साथ वी वन यूज होगा, जो ही शी इट और नेम के साथ डज नॉट यूज होगा निगेटिव में, रिमेनिंग सब्जेक्ट में डू नॉट यूज होगा निगेटिव में। तो नंबर हमें मेन वर्ब अभी लर्न करना है, तो 15 12 1 444 यानी कंटीन्यूअस में फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म चलेगा। कंटीन्यूअस यदि यूज होता है तो आपको फोर्थ फॉर्म उसमें लगाना है। परफेक्ट 333 333, और फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऑल में फोर्थ फॉर्म यूज होना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक, आप ट्रिक के थ्रू आप इसे तैयार कर लेते हैं। 15 12 1 444 333 444, तो आपके मेन वर्ब के फॉर्म इजीली तैयार हो जाते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको ये समझ आ गया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए टेंस हेल्पिंग वर्ब चार्ट मेन वर्ब चार्ट की पहचान बताने जा रहा हूँ। यदि आप ये तैयार कर लेते हो तो आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की पहचान आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मथुरा प्रसाद मैना तनिष कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों बिना देर करते हुए
हम इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक है टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चार। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूं मैं टेंस चार्ट, हेल्पिंग वर्ब चार्ट और मेन वर्ब चार्ट। फर्स्ट नंबर ऑल इन वन काम करेगा ये। ये चार्ट आप तैयार कर लेते हो तो तीनों आपको एक साथ तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बी केयरफुल, रेडी, स्टार्ट। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर फोर पार्ट इन ईच टेंस। ईच टेंस में यहां पर फोर पार्ट होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ध्यान देना कि ये जो पार्ट आपको बताए गए हैं इनकी मैंने पहचान भी लिख रखी है। प्रेजेंट की पहचान सेंटेंस के लास्ट में है, हैं, हो, हूं आता है तो प्रेजेंट। इंडेफिनिट में ता, ती, ते। जब आप टेंस का यूज करते हैं तो ये अकेला नहीं चलता है, साथ में इन फोर पार्ट में से किसी एक का यूज होता है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अक्सर मैं देखता हूँ कई बच्चों से जब टेंस के बारे में पूछा जाता है तो कुछ इधर के नाम बताते हैं, साथ में कुछ इधर का बता देते हैं, जबकि ये साथ में चलने वाले प्रेजेंट के साथ चारों में से आपको यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट भी सेम वे में होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट के प्लेस पर आप सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट तो भी चलेगा। कई जगह लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं होगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलें या सिंपल प्रेजेंट, दोनों सेम होगा। पहचान हुई, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। रहा, है, रही, है, रहे, हैं, रहा हूं, रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या फिर इसके प्लेस पर आ है, ई है, ए है होता है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है दोस्तों। अक्सर बच्चे लर्न कर लेते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, जब सेंटेंस में आ जाता है कि मैंने चाय पी ली है तो बच्चे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बच्चों में कि ये कौन सा टेंस है। तो आपको ध्यान देना है, ऐसा सेंटेंस जिसके आखिरी में आ है, ई है, ए है आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रहा रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो दोनों सेम है, तो इसके साथ भी वो जेमार का यूज कर देते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जब परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस आता है तो उसमें टाइम चलेगा, सिंस फॉर का यूज होगा, और ये आपका डायरेक्ट रहा है, रही है, रहे हैं चलेगा। अब देखते हैं पास्ट। पास्ट की पहचान था, थी, थे, था, थी, थे, सेंटेंस के लास्ट में होगा, और यदि सेंटेंस अ, ई, ए पे खत्म होता है तो भी वो पास्ट का होता है। ध्यान रखें, आ है, ई है, ए है तो प्रेजेंट का परफेक्ट,
ओनली आ पे खत्म होता है सेंटेंस। सपोज मैंने चाय पी ली, वह बाजार गया, राम ने गाना गाया, या मीन्स आ की मात्रा पर एंड हुआ, ए की मात्रा पर, और या फिर ई की मात्रा पर, तो भी वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट यहां ता था, ती थी, ते थे, तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन टाइम के साथ आएगा, इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है, या फिर डायरेक्ट इसमें आ ई ए हो तो भी वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। एंड लास्ट इसका आ जाएगा, इसमें विल शैल का यूज हुआ है, तो लास्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हमें देखना है दोस्तों, इसमें आपको जो बताया गया है सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, इसके सॉरी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देखा, इसके सभी टेंस आपने देख लिए, टेंस पहचान क्लियर हो गए। अब है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल। डू डज हेल्पिंग वर्ब, यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा और प्लूरल के साथ डू का। इसमें आप यूज कर सकते हैं, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ वी वन चलेगा, ही सी इट और एनी नेम के साथ यूज होगा वी फाइव। वी फाइव का मीन्स होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है वी फाइव। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अक्सर आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस जोड़ना है, जबकि मैंने इसको वी फाइव का नाम दिया है। वी फाइव मीन्स वी वन प्लस एस प्लस ई एस या आई एस। सेकेंड फॉर्म, इसमें सिंपल सेंटेंस जब आपको बनाए जाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ओनली वहां पर वी वन वी फाइव चलेगा, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको डू या डज का यूज करना है। सेकंड देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया इसमें, और ये अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा, वी टू चलेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब आप इसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो उसमें डिड, नेगेटिव में डिड नॉट, लेकिन फिर डिड नॉट जब लगाते हो तो वी टू वी वन में चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें वी वन दिया। इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के बिफोर में आना है, और सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और सिंपल में डायरेक्ट वी टू आएगा, डिड का यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर में सेल्फ विल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, आई के साथ एम यूज होगा, ही सी इट और नेम के साथ इज, यू दे और प्लूरल नंबर आता है वी आता है तो आपको आर का यूज करना, वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ आर। फिर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज ऑब्लिक वर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसमें वाज वर्ब के साथ ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, फोर्थ फॉर्म मींस होगा वी वन प्लस आई एन जी, जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी
ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब का फुल फॉर्म बन जाता है। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल वी ऑब्लिक विल बी, शैल बी या विल बी, बी दोनों के साथ प्लस लगाया मैंने, मीन शैल के साथ भी बी आएगा, विल के साथ भी बी आएगा। तो शैल बी विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट, परफेक्ट में हैड ऑब्लिक हेल्प, हैड ऑब्लिक हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, वी थ्री इसमें यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही शी इट और एनी नेम के साथ हैज यूज होगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव यूज होगा। पास्ट परफेक्ट हैड इज यूज विथ ऑल सब्जेक्ट, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वी थ्री इसमें यूज होगा। और फिर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन साथ में टाइम मेंशन करना होगा जिसके लिए सिंस और फॉर यूज किया जाएगा। सिंस फॉर यूज मैं आपको के साथ बताऊंगा। अब देखते हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर इसमें टाइम के लिए यूज किया जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम के लिए यूज होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म किस टेंस में यूज किया जाएगा, इसके लिए आप ट्रिक से तैयार कर लें। सिंपल आपको नंबरिंग आप लर्न कर लेते हैं, 15, 12, 1, 15, 12, 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट 15 नंबर, पास्ट इंडेफिनिट 12, फ्यूचर 1, 15, 12, 1। 15 मीन्स यहां पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ही शी इट और नेम के साथ फिफ्थ फॉर्म, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के साथ वी वन यूज होगा, जो ही शी इट और नेम के साथ डज नॉट यूज होगा निगेटिव में, रिमेनिंग सब्जेक्ट में डू नॉट यूज होगा निगेटिव में। तो नंबर हमें मेन वर्ब अभी लर्न करना है, तो 15, 12, 1 444 यानी कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म चलेगा। कंटिन्यूअस यदि यूज होता है तो आपको फोर्थ फॉर्म उसमें लगाना है। परफेक्ट 333 और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑल में फोर्थ फॉर्म यूज होना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक, आप ट्रिक के थ्रू आप इसे तैयार कर लेते हैं। 15, 12, 1, 444, 333, 444 तो आपके मेन वर्ब के फॉर्म इजीली तैयार हो जाते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको ये समझ आ गया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।